Hello everyone, welcome back. And now in this lecture we are going to discuss about size of tetrahedral and octahedral voids. As the topic I have written over here, size of the tetrahedral and octahedral voids. So we have already seen two types of voids, that is tetrahedral and octahedral. So let's start. The radii of the voids in those close packed structures are related to the size of the sphere present in the packing. तो ये बताना क्या चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि आपका अगर वॉइड ये है, ये वॉइड है, ठीक है, जो भी शेप का है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो स्पीयर्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसका रेडियस इन पे डिपेंड होता है. इससे रिलेट करके फिर ही हम इसका रेडियाई जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्पीयर इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. Once again, if R is the radius of the sphere in close pack arrangement, then radius R of the tetrahedral void is 0.225 R, all right, and radius R of the octahedral void is 0.441 R. तो ये जो बड़ा वाला R है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द स्पीयर्स, ये जो स्पीयर हैं इनको रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा सा हमारा वॉइड है उसका रेडियस विल बी आर. तो छोटा आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द वॉइड एंड द बड़ा आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द स्पीयर एटम, ठीक है. तो अब ये वैल्यूज़ कैसे आए, कैसे पता चला, ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो वो हम डिराइव करेंगे कि वैल्यू एक्चुअली आई कैसे. तो जब हम इसको और इसको रिलेट करेंगे एक दूसरे से तब हमें ये वैल्यूज़ पता चलेंगी कि कैसे आई. अब आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो जब भी आपके पास आयनिक कंपाउंड्स है, आपके एनायंस जो हैं वो पैकिंग में प्रेजेंट होंगे. इसका मतलब जो स्पीयर हैं, जो एटम्स हैं वो होंगे एनायंस, और जो होल है, जो एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है, जो वॉइड है, वो कैटायंस रिप्रेजेंट करेंगे. तो कैटायंस ऑक्यूपाई वॉइड्स. तो मान लेते हैं कि अगर ये जो है आपका, ये आपके स्पीयर्स हैं, राइट, तो ये जो स्पीयर्स हैं ये होंगे आपके एनायंस, ये चारों होंगे आपके एनायंस, और ये जो स्पेस है यहाँ पर आकर कौन बैठेगा, बैठेगा आपका कैटायन. कौन बैठेगा, कैटायन. तो अगर मैं NaCl का स्ट्रक्चर लूँ तो ये जो एटम्स हैं, स्पीयर्स हैं, ये मेरे Cl है, राइट, और ये जो मेरा वॉइड होगा यहाँ पर, वहाँ पर जाकर बैठेगा मेरा Na. समझ में आ रही बात. तो कैटायंस क्या ऑक्यूपाई करेंगे, वो जो एम्प्टी स्पेस है वो ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है. वो टेट्राहेड्रल वॉइड भी हो सकता है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हो सकता है. अगर मैं NaCl की बात करूँ तो वो ऑक्टाहेड्रली फॉर्म होता है, राइट. तो कौन सा वॉइड में जाकर बैठेगा Na, Na बैठेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. सो एनायंस प्रेजेंट इन द पैकिंग, एनायंस जो है पैकिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं, और जो एम्प्टी स्पेसेस बचते हैं वहाँ पर आपके कैटायंस जाकर बैठ जाते हैं. सो फॉर कैटायंस ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी रिप्रेजेंटेड एज R प्लस, दैट इज़ इक्वल टू 0.22 R माइनस. तो आपका 0.225 R माइनस, अब R की जगह पर मैंने क्या लिखा है, R माइनस, इसका मतलब होता है एनायन. R माइनस रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द एनायन एंड R प्लस रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द कैटायन. सो कैटायन्स ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, R प्लस दिस इज रेडियस ऑफ कैटायन, दैट इज इक्वल टू 0.414 R माइनस, दैट इज रेडियस ऑफ एनायन. आई होप यहाँ तक क्लियर हो आपको. अब एक नोट लिखिए, साइजेस ऑफ वॉइड्स एक्वायर इम्पॉर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स. तो जो आप ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ेंगे पेपर पार्ट टू का, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये एक क्वेश्चन जो है वो आता है, दैट व्हाई दीज कंपाउंड्स आर नोन एज इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स. तो उसके लिए गिव रीजन वाला आंसर के लिए यू कैन राइट दिस एज वेल, साइजेस ऑफ वॉइड्स एक्वायर इम्पॉर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स, borides, carbides and nitrides, in which the respective non-metal atoms, that is hydrogen, boron, carbon and nitrogen, are accommodated in the interstices. Interstices क्या है, interstices आपके voids हैं, that is tetrahedral and octahedral. That is why these compounds are called interstitial compounds. So ये give reason type का question आपको आ सकता है. CBSE and ISE board give reason type of question can be asked to you people, that what is interstitial compounds, why these compounds transition metal hydrides, borides and carbides are known as interstitial compound. So you can write what is the importance of the size of voids in the formation of transition metals,
हाइड्राइड्स, बोराइड्स, काइब्राइड्स. सो अगेन यू कैन राइट दिस आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ वी कम टू द डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस आर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस आर, द कैपिटल आर ऑफ द एटम्स इन द क्लोज पैकिंग. तो ये मेरे एटम्स हैं, ठीक है, ये मेरे एटम्स हैं. ये सिर्फ टू डायमेंशन वाला बताया मैंने, मतलब ऊपर का व्यू अगर आप देखें, राइट. तो ये मेरे एटम्स हैं और उनके बीच में स्पेस है. तो दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय समवन एंड दैट समवन इज अ कैटायन. सो अ स्पीयर फिटिंग इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज शोन बाय अ स्मॉल सर्कल. ये रहा आपका स्मॉल सर्कल. अ स्पीयर अबव एंड अ स्पीयर बिलो दिस स्मॉल स्पीयर हैव नॉट बीन शोन. तो इसके ऊपर वाला जो स्पीयर है वो नहीं दिखाया और उसके नीचे जो स्पीयर है वो नहीं दिखाया. ये सिर्फ चार स्पीयर इसको जो आजू बाजू में इर्द गिर्द हैं सिर्फ वही बताए हमने. तो स्पीयर फिटिंग इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज शोन बाय स्मॉल सर्कल विच इज दिस. अ स्पीयर अबव एंड अ स्पीयर बिलो द स्मॉल स्पीयर हैज नॉट बीन शोन. सो लेट्स कंसिडर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो वी नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो आपका ए बी सी, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. सो माई बी सी इज वॉट, इट्स द हाइपोटेन्यूस. सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट. तो अभी हमें पता है कि ये वाला एटम जो है इसका रेडियस इज आर. ये वाला जो एटम है इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है आर, राइट. आर इसका रेडियस भी है आर. इस यहाँ पे भी रेडियस आर और यहाँ से लेकर यहाँ भी रेडियस आर. तो सबको कैपिटल आर दिया है. छोटे वाले सर्कल का क्योंकि वो वॉइड के अंदर जाकर बैठा हुआ है तो उसका रेडियस इज छोटा वाला आर. सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. तो बी सी स्क्वायर विल बी व्हाट, बी सी स्क्वायर विल बी आर एंड आर दैट इज टू आर, आर प्लस आर दैट इज टू आर. सो टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर के लिए क्या आएगा, ए बी स्क्वायर के लिए क्या आएगा, आर प्लस छोटा आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर प्लस अगेन ए सी स्क्वायर के लिए क्या आएगा, बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर. तो इन दोनों को जब हम ऐड अप कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा टू आर प्लस आर स्क्वायर, टू ब्रैकेट इनक्लोज्ड कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, राइट. तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये टू जो है मैं नीचे लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर इस साइड पर लेकर, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा रही हूँ. तो टू आर द होल स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू आर प्लस आर द होल स्क्वायर, राइट. सो व्हेन आई ओपन दिस, व्हेन आई ओपन दिस आई गेट फोर आर स्क्वायर अपॉन टू. तो दिस विल गेट कैंसिल एंड गेट टू आर स्क्वायर. सो टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर द होल स्क्वायर, ठीक है. ये वाला स्टेप स्किप करते हुए डायरेक्टली आई कुड हैव गॉन ओवर हियर, पर क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना है इसीलिए मैंने ये वाला स्टेप लिखा है, नहीं तो मैं डायरेक्टली ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप पे आ सकती थी. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली रूट टू आर स्क्वायर मिल सकता है, अंडरस्टूड. तो मुझे होल स्क्वायर करना है इसको, तो होल स्क्वायर करना है तो टू को क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा. सो रूट टू आर द होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर. सो इट इज़ रिटन इन दिस वे. और जब मैं दोनों का स्क्वायर निकाल दूँ सो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम रूट टू आर इज इक्वल टू आर प्लस आर. सो दिस रूट टू आर प्लस आर को यूज़ करके हमें छोटा वाला आर का वैल्यू निकालना है. सो आर इज इक्वल टू रूट टू आर माइनस आर. सो आर इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या है, आर है, तो आर कॉमन बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट रूट टू माइनस वन. इसका कोएफिशिएंट रूट टू है, इसका कोएफिशिएंट वन है, आर कॉमन बाहर निकला तो ब्रैकेट में मिला रूट टू माइनस वन. ओके, एंड देन दिस आर अगेन वी इफ वी इनपुट द वैल्यूज ऑफ रूट टू व्हाट यू गेट इज आर इज इक्वल टू आर कैपिटल आर ब्रैकेट में 1.414 माइनस वन. जब इसको सॉल्व करेंगे 1.414 में से 1 माइनस कर देंगे सो यू गेट आर इज इक्वल टू 0.414 आर. सो दिस आर इज नथिंग बट दिस इज रेडियस ऑफ द स्पीयर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द वॉइड. कौन सा वॉइड है ये, हमने कौन सा वॉइड डिराइव किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो ये वैल्यू कैसे आई वो हमने डिराइव की है. आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वी गो टू डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस
ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस आर ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेरिवेशन फॉर द टेट्राहेड्रल वॉइड. दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज योर बॉडी डायगनल, दिस इज योर फेस डायगनल और ये आपके जो स्पीयर्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है. ए ई एफ, अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में देखो तो एक ट्राइंगुलर बेस है. ये आपका वॉइड है जहाँ पर मैंने जी स्पीयर को बिठा कर रखा है, उस वॉइड के अंदर फिट कर दिया है और बी जो है पॉइंट इसके ऊपर मौजूद है. ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए. तो ये जो लेंथ है, एज लेंथ, ठीक है, वो ए है, वो कह रहे हैं. सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, तो अगर आप इसको कंसिडर करें राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सो दिस इज योर हाइपोटेन्यूस. सो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो वी नो ए सी इज हाउ मच, ए, बी सी इज अगेन ए, इसका भी वैल्यू ए है, इसका भी वैल्यू ए है क्योंकि एज लेंथ इज ए, ठीक है, और क्यूब की बात हो रही है. सो ए सी स्क्वायर इज प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू रूट टू ए. As स्पीयर A and B are actually touching each other in the close packing phase diagonal. तो जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फेस डायगनल है, राइट, दिस इज़ योर फेस डायगनल. तो वही मैंने यहाँ पर बताया फेस डायगनल ए बी सी, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड आई नो कि इसका रेडियस इज़ आर एंड इसका रेडियस इज़ ऑल्सो आर, तो दोनों का रेडियस मिला के क्या हो जाएगा, टू आर. इस पीयर का रेडियस इज आर एंड इस पीयर का रेडियस इज ऑल्सो आर. जब दोनों का रेडियस हम मिला रहे हैं, ठीक है, इट्स टचिंग ईच अदर, सो दिस विल बिकम आर प्लस आर दैट इज टू आर. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, इट इज टू आर, राइट. तो एक ए बी की वैल्यू हमको मिली रूट टू ए और दूसरी ए बी की वैल्यू हमें मिली फेस डायगनल से टू आर. हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो व्हाट वी गेट, हैंस टू आर इज इक्वल टू रूट टू ए. सो अल्टीमेटली आर की वैल्यू क्या होगी, ये टू नीचे आ जाएगा and when you'll solve it you'll get 1 by root 2a. what you'll get is 1 by root 2a. so this is equation number 1. again from right angle triangle abd, so abd, abd villiers, abd, ye aapka right angle triangle abd, isse aapko kya mil raha hai, body diagonal ad, which you can see ad is the body diagonal, root of ab square plus bd square, so it is root of ab square plus bd square. right angle triangle body diagonal ad is equal to root of ab square and bd square. so ab का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, दैट इज़ रूट टू ए. तो यहाँ पर हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, रूट टू ए द होल स्क्वायर प्लस बी डी इज द एज लेंथ दैट इज ए स्क्वायर. तो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज रूट ऑफ थ्री ए. आई होप दिस इज क्लियर. एज जी स्पीयर टचेज द बॉडी डायगनल स्पीयर, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि अगर ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये आपका बॉडी डायगनल है, राइट, तो ये इन दोनों को टच कर रहा है, इन दोनों स्पीयर को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, दोनों स्पीयर को टच कर रहा है, यू कैन सी. आई होप दिस इज़ क्लियर. क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि दोनों को टच कर रहा है, इसका रेडियस है आर, इसका भी रेडियस है आर और इस जी के एटम का रेडियस भी है छोटा वाला आर, छोटा वाला आर. क्यों छोटा वाला आर, क्योंकि वॉइड के बीच में बैठा हुआ है इसलिए छोटा आर, राइट. सो आर प्लस आर दैट इज़ टू आर एंड दी स्मॉल आर्स, अगेन दीज आर टू, सो टू कैपिटल आर प्लस टू स्मॉल आर, सो इट इज़ R plus R plus R plus R that is equal to 2 capital R plus 2 small r, that will give you 2 common निकालेंगे हम, 2 common निकालेंगे तो what you'll get, 2 into R plus R. So the body diagonal AD is 2 R plus R. I hope this is clear. यहाँ तक clear है. अब हम solve करेंगे, तो हम जब solve करेंगे तो what you get, AD is equal to रूट थ्री ए, जो कि हमने वो राइट एंगल ट्राइंगल वाले फार्मूले से फाइंड आउट किया, ए डी इज इक्वल टू रूट थ्री ए और दूसरे फार्मूले से फाइंड आउट किया ये टू आर प्लस आर. तो इन दोनों को जब हम लेकर आते हैं साथ में, सो रूट थ्री ए इज इक्वल टू टू आर प्लस आर, सो ये टू जब नीचे चला जाए तो आर प्लस आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए अपॉन टू,
एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सो डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय इक्वेशन वन वी गेट, तो इक्वेशन वन क्या था हमारा, हमारा इक्वेशन वन था ये r इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू ए. तो जब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, r प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू ए अपॉन ए बाय रूट टू. तो वेन यू सॉल्व दिस वैल्यू वॉट यू गेट इज यू गेट वन प्लस आर बाय आर, वन प्लस आर बाय आर अगर इसको सॉल्व करें तो अगेन यही मिलता है, ये आर यहाँ पर चला जाएगा आर प्लस आर अपॉन आर, ठीक है. एंड वेन यू सॉल्व दिस ए ए विल गेट कैंसल एंड टू अपॉन रूट टू इज रूट टू. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज कि आप ये प्लस वन को यहाँ पर लेकर चले जाएँ और माइनस वन कर दें तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू रूट थ्री बाई रूट टू माइनस वन. तो अल्टीमेटली हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो हम आर भी यहाँ पर लेकर जाएंगे. सो फर्स्ट विल सॉल्व दिस रूट टू इंटू माइन इंटू वन विल गिव यू रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट टू विच इज़ ओवर हियर. जो हम इनकी वैल्यूज़ डालें एक्चुअल वैल्यूज फ्रैक्शन में 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414 तो आपको ये वैल्यू मिलती है विच इज़ 0.225. अगेन r अपॉन r इज इक्वल टू 0.225. ये वाला रेडियस ऑफ द स्पीयर यहाँ पर जाएगा एंड यू गेट रेडियस ऑफ योर टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज 0.225 r. आई होप दैट दिस डेरिवेशन इज अगेन क्लियर. सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन बेसिस ऑफ दैट. कैलकुलेशन ऑफ आइडियल रेडियस ऑफ द कैटायन फिटिंग इन टू द वॉइड. रेडियस ढूंढ रहे हम कैटायन का जो वॉइड के अंदर बैठा हुआ है. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकता है, टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकता है. फॉर्मूलेज आपको पता है, सिर्फ फॉर्मूलेज इनपुट करने हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की. बहुत सिंपल क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं. तो एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, दो प्रॉब्लम्स जो है आई विल बी पोस्टिंग अ पिक ऑफ इट ऑन क्वारंटीन केमिस्ट्री टेलीग्राम. वहाँ पर जाकर क्वेश्चन देखिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि ये वाली पार्ट जो है नहीं समझ में आई. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. सो द क्वेश्चन इज प्रॉब्लम वन. अ सॉलिड ए प्लस बी माइनस हैज़ NaCl टाइप क्लोज पैक स्ट्रक्चर. सो वी नो ए प्लस बी माइनस मतलब एनायन क्या है, बी माइनस दैट इज Cl एंड ए प्लस इज योर कैटायन. तो कैटायन जाकर बैठेगा वॉइड में क्योंकि उन्होंने कहा NaCl. सो यू नो कि ऑक्टाहेड्रली उसका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. सो आपको पता चल गया इस दो ही एक ही सेंटेंस है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कुछ तो करना है. इफ़ द एनायन हैज़ अ रेडियस ऑफ 241.5 पिकोमीटर. तो मैंने रेडियस दिया है एनायन का, मतलब आपके पास कैपिटल आर है दैट इज़ 241.5 पिकोमीटर और यू कैन ऑल्सो से आर माइनस. वॉट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ द कैटायन. से फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द रेडियस दैट इज स्मॉल आर प्लस. कैन अ कैटायन ऑफ सी प्लस हैविंग रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर बी फिटेड इन टू द टेट्राहेड्रल होल ऑफ क्रिस्टल. तो अगर आपका रेडियस ठीक है जो है 50 पिकोमीटर उन्होंने बोला है, क्या वो इसमें फिट हो पाएगा, टेट्राहेड्रल होल में फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अब हम देखेंगे वो. द सोल्यूशन सेज एज ए प्लस बी माइनस हैज NaCl स्ट्रक्चर, ए प्लस आयन्स विल बी प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज आई टोल्ड बिफोर. आइडियल रेडियस ऑफ द कैटायन विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द एक्ट्राहेड्रल वॉइड बिकॉज इन दैट केस इट विल टच द एनायंस एंड द अरेंजमेंट विल बी क्लोज पैक. वॉट इट सेज आइडियल रेडियस ऑफ द कैटायन विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो वो क्या कह रहे हैं, आइडियल रेडियस कब होगा, जब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के इक्वल होगा उसका रेडियस, तो ही उसका आइडियल रेडियस कहेंगे. क्यों, क्योंकि अगर वो टच होता है एनायंस को तभी हम उसे बोलेंगे कि वो सही तरीके से क्लोजली पैक्ड है. सो विल सी रेडियस ऑफ द एक्ट्राहेड्रल वॉइड इज आर ए प्लस, दिस ए प्लस इज एन ए प्लस दैट इज इक्वल टू 0.414 आर बी माइनस. सो वी नो द रेडियस ऑफ बी माइनस दैट इज 241.5 एंड 0.414 इंटू 241.5 पिकोमीटर इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर. ओके, सो दिस इज दी आइडियल रेडियस. रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अगेन वी नो द फॉर्मूला
आर ए प्लस इज इक्वल टू 0.225 आर बी माइनस आर ए प्लस इज इक्वल टू 0.225 इंटू 241.5 पिकोमीटर, दैट गिव्स यू 54.3 पिकोमीटर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठने के लिए रेडियस इतना होना चाहिए, दैट इज 54.3 पिकोमीटर। पर उन्होंने हमसे कितना पूछा, उन्होंने पूछा क्या एक कैटायन 50 पिकोमीटर के रेडियस के साथ टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठ सकता है? तो बिल्कुल बैठ सकता है, क्योंकि वो इससे छोटा है, पर वो एग्जैक्टली परफेक्टली क्लोज पैकिंग नहीं देगा। एज द रेडियस ऑफ द कैटायन 50 पिकोमीटर इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, इट कैन बी प्लेस्ड बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली होने के लिए उसे 54.3 पिकोमीटर का होना पड़ेगा। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर, एंड टू मोर प्रॉब्लम्स आई विल पोस्टिंग द पिक ऑन क्वारंटीन केमिस्ट्री ऑफ ऑन टेलीग्राम। वो क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगेन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट, इट इज़ वेरी सिंपल, वो हो जाना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आई विल बी स्टार्टिंग इट एंड आई विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज नंबर ऑफ वॉइड फिल एंड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन हैं, आपको फार्मूला पता करना है कंपाउंड का, वो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, तो हम करेंगे सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।